सुप्रभातम 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 आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहां पे करने वाले हैं सो वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में बात करते हैं और यूएस मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो यूएस मार्केट्स में कल जो है थोड़ा सा मार्केट करेक्शन देखा गया है सीन पी हो या फिर नैजडेक हो दोनों इंडाइसेस डाउन थे दो डाउन जो थोड़ा सा ऊपर था बट ओवरऑल uh, जो ये टेक कंपनीज uh, है वहां पे प्रेशर देखा गया तो ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस जो टेक स्टॉक्स में आए हैं उसके पीछे का रीजन क्या है तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने uh, वो कंपनीज जो चाइना में चिप मेकिंग uh, के लिए चीजें या टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनपे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लाने का प्लान बना लिया है एंड दैट्स वाई ये प्रेशर मतलब वी नीड टू रिमेंबर कि ये जो साल है ये अब इलेक्शन uh, ईयर है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी एंड ओपोनेंट हु इज ओपोनेंट ऑफ मिस्टर बाइडन इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हु इज नोन फॉर एंटी चाइना स्टैंड उस केस में वहां पे वो एक कंपटीशन अभी थोड़ी सी लग जाएगी और उस जा, उसके चक्कर में ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आउट हो सकते हैं सो दैट्स व्हाई मेजर टेक कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ एप्पल हुआ एनवीडिया हुआ अमेजॉन हुआ मेटा हुआ अल्फाबेट हुआ ब्रॉडकॉम ए एम डी कॉलकॉम माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज ऑल दीज स्टॉक्स वर डाउन यस्टरडे दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दैट अब यहाँ पे अगर हम आ, बाकी चीजें देखें Uh, तो यूएस का जो डॉलर है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है द डॉलर इंडेक्स इज एट हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट एट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड उसका रीज़न क्या है एक तो रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनते जा रहे हैं सो फेडरल रिजर्व के uh, जो मतलब uh, ऑफिशियल्स है उनके अगर हम स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वो भी वही इंडिकेशन दे रहे हैं तो शायद इस कैलेंडर ईयर में दो रेट कट इट्स इट्स ऑलमोस्ट डन डील ऐसा नजर आ रहा है एंड दैट्स uh, आप देख रहे होंगे कि यूएस uh, की जो टेन ईयर यील्ड है वो भी अब नीचे आनी शुरू हो चुकी है एंड करेंटली फोर पॉइंट वन फाइव परसेंट एंड द एक्सपेक्टेशंस आर दैट दिस विल गो डाउन बिलो 4 परसेंट सो दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन विच इज कमिंग आउट और उसी का सीधा सीधा नतीजा जो है वो गोल्ड प्राइसेस पे होता हुआ दिख रहा है इंटरेस्ट रेट्स गोज डाउन देन ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस जिसमें गोल्ड हो सकता है उसमें इक्विटी भी होगा आगे जाके तो ये एसेट क्लासेस या फिर अदर एसेट क्लासेस में जो मतलब अब दैट्स दे, अ डिबेट कि क्रिप्टोइन एसेट और नॉट बट ये सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे तो दैट्स वॉट वी आर सींग इन गोल्ड प्राइसेस तो गोल्ड प्राइसेस कल अ डॉलर टर्म्स में 2482 पर आउंस तक 2482 डॉलर पर आउंस तक ऊपर गए थे क्या रीजन है इसके पीछे का कि सितंबर महीने में इंटरेस्ट रेट कट होगा यही एक्सपेक्टेशंस लेके यहां पे सारी चीजें हो रही है एंड देर आर एक्सपेक्टेशंस गेटिंग बिल्ट फॉर गोल्ड टू गो अप टू 2600 डॉलर टू 2700 डॉलर पर औंस इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर तो जो ऑलमोस्ट अभी शुरू हो चुका है सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ये हो सकता है अगर दो रेट कट होते हैं तो ये ऐसे स्पेकुलेशन मार्केट में शुरू हो चुके हैं एंड दैट्स why गोल्ड प्राइसेस हमने ऊपर देखे हैं सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी विल सी टूडे इन रूपी टर्म्स में अगर गोल्ड की प्राइसेस हम देखेंगे तो वो इंपैक्ट हम आज देख सकते हैं uh, तीसरी uh, और एक uh, अगर न्यूज है यूएस मार्केट सी ही है और वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक इंटरव्यू में यह बोला है कि जैसे उन्होंने पहले 39% से 21% तक कॉर्पोरेट टैक्स लेके आए हैं एक्चुअली इट वाज नॉट 39% नाइन वो जोश में उन्होंने बोल दिया बट इट वाज 35% फाइव परसेंट टू ट्वेंटी वो नीचे लेके आए थे एंड uh, uh, उनका टारगेट 20% था बट 21% तक वो लेके आ पाए अब उन्होंने ये बोला है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है आई विल टेक इट डाउन टू फ्रॉम ट्वेंटी सो so, ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है इन द शॉर्टर ड्यूरेशन बट देर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो अगर यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कम होगा तो उसका जो इम्पैक्ट uh, है वो ओवरऑल uh, मतलब मनी uh, प्रिंटिंग पे फिर से हो सकता है और ज्यादा मतलब वहां पे डेफिसिट्स जो है गवर्नमेंट के वो बढ़ सकते हैं एंड इंक्रीज डेफिसिट्स विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्रॉम द इन्फ्लेशन एंगल सो ये कंसर्न मार्केट को यहां पे आ रहा है फोर टू फाइव ट्रिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बोरिंग कैन पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिन दिए जा सकते हैं बट कितने फिजिबल है और प्रैक्टिकल है ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वहां पे काफी स्ट्रांग इलीगल इमिग्रेशन पे स्टैंड लिया जाएगा और लार्जेस्ट डिपोर्टेशन प्रोग्राम इन यूएस हिस्ट्री वो लेने वाले हैं ये भी उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है सो ऑल थिंग्स विल प्ले आउट मतलब थोड़ा सा फिर वो लेबर वाला एंगल थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अब इसके अलावा और भी क्या चीजें बोलिए उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पे ही इज नॉट अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग डिबेट एंड दैट्स वाई जो स्टैंड बाइडन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे तो वहां पे ही इज नॉट अ फैन ऑफ दैट तो उनका कहना है कि ही विल फोकस ऑन दी एनर्जी सेक्टर सो जिसमें ऑइल एंड गैस एंड ऑल दस थिंग्स उसपे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा एंड दैट्स वाई एनर्जी वाले जो शेयर है दे हैव स्टार्टेड वेल इवन सम्मॉल कैप्स ऑल्सोर लिंक टू दीज बिजनेसिसल तो ये सारे मतलब थोड़े से मतलब कॉल्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कैन टेक इफ ही फॉर्म्स गवर्नमेंट अब वर्ल्ड इकोनॉमी में ही यूके इन्फ्लेशन नंबर इज एट टू परसेंट बट तो सर्विसेस इन्फ्लेशन के नंबर्स पांच तो परसेंट के ऊपर थे सो दैट इज स्टिल अ कंसर्न स्पेसिफिकली अप्रीब्यूशन जो है Uh, वो राइजिंग कॉस्ट इन रेस्टोरेंट्स हो होटल्स हो ट्रांसपोर्ट हो या क्लोथिंग एंड फुटवेयर प्राइसेस हो uh, तो वो डिक्लाइन हुए बट बाकी सारी सर्विसेज रिलेटेड चीज़ें ऊपर गई है कोर इन्फ्लेशन रेट वाज एट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट विच इज़ लोएस अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बट स्टिल नंबर्स दो परसेंट के नज़दीक है ओवरऑल अगर रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर हम देखेंगे बट जो सेगमेंट्स उन्होंने देखे हैं तो उसमें सेगमेंट वाइज द गवर्नमेंट या या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टिल नॉट दैट मच कंफर्टेबल सो एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड देखना है रेट कट्स का वो थोड़ा सा इसमें भी राह देखनी पड़ सकती है ऐसा माना जा रहा है अब थोड़ा इंडियन इकोनॉमी की तरफ चलते हैं उससे पहले एक बार फिर से बता दूं दोस्तों वर्ल्ड कप यह प्रोमो कोड एक्टिव है हाईएस्ट हाइएस्ट डिस्काउंट ऑफ 65 परसेंट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट इनको प्लस फंडोमेंटल प्लस एंड मॉडल पोर्टफोलियोज के सब्सक्रिप्शन पे सिक्सटी फाइव परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल है कॉम्बो ऑफर्स और तीन साल के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट कुड एज हाई एज सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव तो इन्वेस्ट एतना डॉट इन को विजिट कीजिएगा दोस्तों अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं जिसमें ग्रोथ फोरकास्ट फिर से एक बार चर्चा में है आईएमएफ ने इंडिया का एफ आई ट्वेंटी फाइव का ग्रोथ के फोरकास्ट को बढ़ा दिया है फ्रॉम सिक्स पॉइंट एट परसेंट टू सेवन परसेंट रीजन क्या बोला है उन्होंने तो इम्प्रूव्ड प्राइवेट कंजम्शन ये एक रीजन बोला है और स्पेशली रूरल एरियाज में यानी कि उनका कहना है कि रूरल इकोनॉमी विल कंट्रीब्यूट टू दिस हायर ग्रोथ फ्रॉम 6.8 परसेंट टू 7 परसेंट ये जो रिविजन हुआ है फोरकास्ट में ये उसी की वजह से हुआ है एंड लुकिंग एट द मॉनसून ये अगर ऐसा ही अच्छा रहा तो आई थिंक दैट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी फार्म प्रोड्यूस विच विल इंक्रीज दी ओवरऑल इनकम ऑफ रूरल एरियाज एंड वो कंजम्पन में काफ़ी हेल्प कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एफ आई ट्वेंटी फाइव का अपना ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो रिवाइज किया है टू सेवन पॉइंट टू परसेंट अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं दो नंबर्स आर नॉट रियली गुड क्योंकि फिर से एक बार वो फाइव परसेंट के ऊपर इंचअप किया है इन्फ्लेशन ने बट अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में रेट कट शुरू हो जाते हैं एंड वी गो आर रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज सीपीआई इन्फ्लेशन गोज टू वर्ड्स फोर परसेंट वी विल ऑल्सो सी गुड नंबर ऑफ रेट कट एक्शंस इन इंडिया सो अगस्त महीने में और एक मॉनिटरी uh, पॉलिसी की मीटिंग है उसमें पता चलेगा हमें टू अगस्त uh, उसमें कमेंट्री uh, क्या आएगी रेट कट के एक्सपेक्टेशंस नहीं है बट कमेंट्री क्या आती है ये देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग बजट जो बजट में फूड सब्सिडीज और फर्टिलाइजर सब्सिडीज की कॉस्ट बढ़ सकती है ऐसा माना जा रहा है सो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 2.25 लाख करोड़ रुपीस ऑन फूड सब्सिडीज जो इंटरिम बजट आया था इन द मंथ ऑफ फ़रवरी उसमें जो प्रोविजंस किए गए थे देवर 2.05 लाख करोड़ रुपीस बट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स प्लस द वे गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग डिफरेंट कमोडिटीज फ्रॉम फार्मर्स तो वहां पे प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा देने पड़े हैं बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट्स भी है एंड प्लस आई थिंक ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स आर प्लेइंग आउट सो वहां पे बीस हज़ार करोड़ रुपए से एक्स्ट्रा बजट बढ़ाना पड़ेगा सो फ्रॉम टू पॉइंट जीरो फाइव लाख करोड़ रुपीज़ टू टू पॉइंट टू फाइव लाख करोड़ रुपीज़ तक ये फूड सब्सिडी इस बार लेके जानी पड़ सकती है एलेवन परसेंट की इंक्रीज रहेगी इनिशियल एस्टिमेट से यहाँ पे कंबाइंड uh, अगर हम दोनों सब्सिडीज को देखेंगे फूड एंड फर्टिलाइजर, सो टोटल ये सब्सिडी होगी 3.88 लाख करोड़ रुपीज अब यहाँ पे फर्टिलाइजर uh, सब्सिडी में ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं रहेगा ऐसा माना जा रहा है सो वन पॉइंट लाख करोड़ रुपीज का वो ओवरऑल uh, नंबर रहेगा तो दोनों सब्सिडीज को अगर हम ऐड uh, कर देते हैं तो ओवरऑल ये बजट जो है वो फाइव परसेंट से बढ़ गया है एस्टिमेट कम बढ़ सकता है कंपेयर टू दी

बट और काउंट में भी एक स्लाइट इंक्रीज हुआ है लार्ज uh, कैप्स में अगर हम देखते हैं आईटी कंपनीज में तो टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे एस्टिमेट्स से अच्छे रिजल्ट्स आए दैट्स वाई मार्केट रिएक्टेड रियली पॉजिटिवली अब यहाँ पे Uh, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट में डिक्लाइन है बट uh, जो कुछ कुछ काउंटर्स uh, जैसे कि हेड काउंट बढ़ना या फिर ए बी मार्जिन बढ़ना दीज आर पॉजिटिव थिंग्स सो लेट्स आई थिंक आज मार्केट इसको किस तरीके से रिएक्ट करता है बट एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट टूवर्ड्स आई सेक्टर मार्केट ने दिखाना शुरू किया है स्पेसिफिकली वेन एफ आई सोल्ड इन द लास्ट लेग ऑफ देयर सेलिंग तो वहां पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी इंडस्ट्री ये दो इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा सेलिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया था एंड नाउ कुछ कुछ इंडिकेटर्स आर बिकमिंग पॉजिटिव सो दैट्स हाउ फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो बिकमिंग पॉजिटिव एंड दैट्स वाई वी आर सींग सम काइंड ऑफ फ्लोज ऑल्सो इन दीस सेक्टर्स स्पेसिफिकली आई एंड बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर अब एशियन पेंट्स के बारे में बात करेंगे तो एशियन पेंट्स के भी नंबर आए हैं और नंबर्स खराब है Q1 का जो नेट प्रॉफिट है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से यहाँ पे डिक्रीज हुआ है इवन रेवेन्यू भी डिक्रीज uh, हुआ है स्लाइटली चैलेंजिंग डिमांड कंडीशन है ऐसा कंपनी का कहना है सो so, रीजन क्या है उसके पीछे का सो uh, so, एक तो uh, ये इलेक्शन ईयर था तो उसका ये भी एक रीजन बोला है उन्होंने ये जो हीट वेव रही इंडिया uh, में तो वो भी एक रीज़न था कि पेंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई एंड देर आर सप्लाई चेन आल्सो दैट्स व्हाट द कंपनी हैज सजेस्टेड आल्सो तो उस पर वो सारी ही सारी चीज़ें काम कर रहे हैं आई स्ट्रोंगली फील दैट कि दर इज अनदर एंगल ऑफ बिरला ओपस कि उसका जो कंपिटिशन है वो एग्जैक्टली exactly कितना एग्रेसिव है नहीं है ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है तो वो भी एक प्रेशर है ऑन दी प्राइस पार्ट ऑफ सो जो प्राइसिंग कम की गई है बाय दी ऑल दी पेंट कंपनीज तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो यहाँ पे देखना सारी कंपनीज ने शुरू कर ही दिया है वो uh, थोड़ा सा ये तीन चार क्वार्टर का फेज रहेगा जिसमें कंप्लीट आइडिया आ जाएगी कि एक्चुअली हु इज लूजिंग द मार्केट शेयर टू बिरला ओपर सो टिल दैट टाइम सम काइंड ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन दी पेंट कंपनीज तो पूरा सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रह सकता है और बिरला ओपस इज नॉट अ लिस्टेड एंटिटी सो दैट्स वाई मतलब इम्पैक्ट uh, इन पे ही uh, ज्यादा नजर आने वाला है यहाँ अब जे जे एस डब्ल्यू एम जी मोटर का जो टाइप हुआ है ज्वाइंट वेंचर हुआ है तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स विल स्टार्ट सो देर इज एन इज अ प्लान टू इन्वेस्ट थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज इन इंडिया बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे फोकस uh, किस चीज पे रहेगा प्रोडक्शन so, कैपेसिटी को एनहांस किया जाएगा नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए जाएंगे इवन आईसी व्हीकल्स भी लॉन्च किए जाएंगे तो फर्स्ट न्यू व्हीकल इज इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर जो है वो लॉन्च हो सकता है इन कमिंग फेस्टिव सीजन तो ये आ, मतलब गणपति सीजन से लेके दिवाली तक या आ, अप, अपना क्रिसमस तक जो सा एक फेस्टिवल सीजन रहता है उसके बीच में ये लॉन्च हो सकता है सो uh, so यहाँ पे जे एस डब्ल्यू मतलब हु जस्ट एंटर्ड इन दिस ऑटो सेक्टर तो आई थिंक uh, एक अच्छा खासा इंटरेस्टिंग ये टाइप रहेगा एंड द फोकस ऑल्सो अगर जो आप एम जी uh, का फोकस देखते हो तो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी काफ़ी अच्छा फोकस है तो नए लॉन्चेस इज गोइंग टू तो डिसाइड द मार्केट शेयर uh, एंगल इन कमिंग क्वार्टर्स सो ये एक कंपनी मतलब लिस्टेड नहीं है बट आई थिंक दिस इज वन इंडस्ट्री विच इज लुकिंग क्वाइट प्रोमिनेंट फॉर इन नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अब टाटा पावर के बारे में बात करेंगे दोस्तों सो टाटा पावर ने भी इस फाइनेंशियल ईयर में दैट इज एफ आई ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है और ये किस चीज में जाएगा ये पैसा टू एक्सपांड रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये प्रोडक्शन है उस पर जाएगा

15 और ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज है so वहां पे 12.5 मिलियन यानी कि 1.25 कस्टमर्स से बढ़ा के वो अपने कस्टमर्स 5 करोड़ uh, तक करना चाहते हैं यानी कि 50 मिलियन तक वो करना चाहते हैं मतलब फोर टाइम्स Uh, यहाँ पे आने वाले पाँच पाँच से सात सालों में वो बढ़ाना चाहते हैं अपना कस्टमर बेस फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज तो यहीं पे ये यह सारा पैसा खर्च होने वाला है तो इन्वेस्टमेंट आई विल नॉट से खर्च इन्वेस्ट होने वाला है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हमने uh, जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए सो टाटा पावर इज़ वन कंपनी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग सेबी सो सेबी ने एक प्रपोजल रखा है ऑन एफ एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो वो जो है वैल्यू अर्लियर इट वॉज फाइव लैक्स तो इसको अब पच्चीस लाख रुपए तक इंक्रीज करने का प्रपोजल सामने आया है क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सेबी का टू कर्ब स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग एंड प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स सो देर आर सम समस्टिंग फाइंडिंग जिसपे सेबी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एंड इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो So, क्या है वो चीज जिस पे, uh, से सेबी यहां फोकस कर रहा है अगर एफ आई ट्वेंटी टू का हम डेटा निकालते हैं तो उसमें अराउंड नाइंटी परसेंट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स हैव मनी ऑन ऑन एन एवरेज व्हाट इज द लॉस ऑफ दीज कस्टमर्स सो इट इज अराउंड वन पॉइंट टू फाइव लैख तो अगर ऐसा डेटा सेबी के सामने आता रहेगा सो डेफिनेटली सेबी इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कम्फर्टेबल विथ सच फाइंडिंग्स तो उस केस में एक्शंस लिए जाएंगे एंड दैट्स वॉट सेबी इज़ ट्राइंग टू डू ओवर हीयर कि रिटेल ट्रेडर्स जो है सो so ये जीरो सम गेम है मैं हमेशा ये बात बताता तो हूँ आप लोगों को इट्स so, अ जीरो सम गेम तो यहाँ पे uh, अगर कोई uh, जीत रहा है येस आई एम यूजिंग द वर्ड केयरफुली जीत रहा है इसका मतलब समबडी इज़ लूजिंग द मनी एंड नॉर्मली मोस्ट नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा या फिर नाइन्टी परसेंट मतलब जो डेटा बताया गया एफ आई ट्वेंटी का उसमें तो नाइनटी परसेंट पीपल आर लूजिंग मनी रिटेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी जो लेटेस्ट डेटा आया था उसमें नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल आर इधर लूजिंग मनी और अर्निंग लेस देन एफ डी रिटर्न तो ये जो फ, नंबर सामने आते हैं ना तो ये आई थिंकनेटली देर इज अरे रेगुलेटर हु इज देयर टू सेव गार्ड रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लॉट ऑफ टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स डोंट नो कि एक्जैक्टली exactly वो करना क्या है और क्या होता क्या ही है. तो उन्हीं को उसी के लिए सेफ uh, गार्ड करने के लिए ये सारे एक्शंस uh, लिए जाते हैं एंड आई स्ट्रांगली फील दैट दिस इज़ द रियली गुड थिंग विच सेबी इज़ डूइंग ओवर हियर कि ये पांच लाख से पच्चीस लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट uh, वैल्यू करना देर आर अदर थिंग्स आल्सो जैसे कि uh, मतलब uh, वहाँ पे एडिशनल uh, मेजर्स में ये भी बोला जा रहा है कि दे आर कंसिडरिंग प्रोडक्ट सुटेबिलिटी नॉर्म्स बेस्ड ऑन वेल्थ और एजुकेशन सो मतलब आपका आपके पास टोटल अमाउंट टू इन्वेस्ट कितना है और आपका एजुकेशन क्या है उसके हिसाब से भी उन्होंने प्रपोज किया है बट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इन इंडिया द इम्प्लीमेंटेशन विल बी वेरी चैलेंजिंग सो आई स्ट्रांगली फील वो शायद नहीं होगा बट इस तरीके से अगर रिटेल ट्रेडर्स को बचाया जा सकता है कि भाई आ, मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही बढ़ा दो सो आई थिंक दैट कैन वर्क आउट रियली वेल आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट फील गुड अबाउट दैट जो स्पेसिफिकली इस ट्रेड में वो आर बिकमिंग द विनर्स बट आई थिंक uh, रिटेल ट्रेडर्स के एंगल से अगर से भी सोच रहे तो विच इज अ वेरी राइट थिंग टू डू सो so, कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा दोस्तों और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद